जबरदस्त भैया, बेहतरीन है, माशाल्लाह इनका टेस्ट बहुत अच्छा है। आज ये भी हमारे साथ खुसूसी यानी कि टेस्टिंग करने के लिए यहाँ पर है। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, जबरदस्त। बिल्कुल घर वाले खाने की फिर आ रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राशिद हसन। अच्छा जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हुसैनाबाद पे, और हुसैनाबाद पे ज़बरदस्त किस्म का खाने का सिस्टम चल रहा है। मेमन कम्युनिटी है, और मेमन कम्युनिटी में ख़ास किस्म के इनके खाने हैं। तो ये ख़ास किस्म के खाने आपको दिखाते हैं, मेरे साथ ही रहिएगा क्योंकि सीन ऑन है। जी हमारे साथ मौजूद हैं हाजी अब्दुल करीम के जो सुपरवाइजर हैं, अरशद भाई। अस्सलाम वालेकुम अरशद भाई। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है? ठीक है आप? अरशद भाई माशाल्लाह रात के 12 बज रहे हैं, बड़ी रौनक लगाई हुई है। मेरा ख्याल है रौनक अभी शुरू हुई है। हाँ अभी शुरू हुई है, और ये तकरीबन 2:30 बजे तक चलेगी। 2:30 बजे तक चलेगी। क्या क्या आइटम है यहाँ पे, थोड़ा सा बताएं हमारे बारे में। सर वहाँ पर चार सालन है, इसमें कलीजी है, कीमा है, भुना है, पालक गोश है, टोटल आइटम आपके पास। अच्छा, इसके मतलब ये जो रेसिपी है वो खास मेमनी रेसिपी है या आम से? तकरीबन इसमें दो चीज़ें मिमनी है, और दो चीज़ें जो आम रूटीन हर जगह मिलती है। जैसे मिमनी आइटम जो है बीफ भुना और पालक गोश है। पालक गोश जो है मिमनी आइटम, मिमनी आइटम है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मालपुरा भी है और कड़क डबल रोटी वगैरह भी है। हाँ ये भी खाई जाती है, मिमनी में ज़्यादा खाई जाती खाई जाती है। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है कड़क डबल रोटी का? कड़क डबल रोटी शुरू से चलती हुई आ रही है। हमारे दादा है जो हमारे दादा हजार जो हमारे थे वो ये रोटी खाते थे। घर की एक तो घर की रोटी होती है जो नॉर्मल आटे की बनती है, एक ये रोटी हमारी खाई जाती है कलीजी के साथ, दाल चावल के साथ। सर भाई खाना क्या क्या है, जरा थोड़ा सा दिखा दें कौन कौन सा आइटम है। सर लास्ट टाइम हमने चार सालन रखे थे, लेकिन इस साल हमने दो चीज़ें नई ऐड की हैं। इसमें बीफ पुलाव है, चिकन बिरयानी है। ये क्या आइटम है? ये है बीफ पुलाव। बीफ पुलाव है ये, मतलब इसकी जो रेसिपी है वो मेमनी स्टाइल में या आम रेसिपी है? आम रेसिपी है। आम रेसिपी है, ठीक है जी। चिकन बिरयानी, चिकन बिरयानी हो गई। ओह ये चिकन बिरयानी कितने की है? चिकन बिरयानी 200 रुपए की है। 200 रुपए की है। और पुलाव? पुलाव 250 रुपए का। पुलाव 250 रुपए का। ये इधर आ जाए, ये क्या चीज है? ये है सर बीफ भुना। ये बीफ भुना है, ये वो है जो आप बता रहे थे कि मेमनी लिया से बीफ भुना है भाई, भुना गया प्योर बीफ है। अच्छा, और ये क्या है? ये है बाजी गोश्त, हम उसको मेमन में बाजी गोश्त कहते हैं। अच्छा, दूसरे लोग दूसरी जबान में पालक गोश्त कहते हैं। बाजी गोश्त, बाजी गोश्त, ठीक है। और आगे आ जाए मछली की भाजी प्लेट में। हां सर प्लेट में पुलाव की आवाज मारो। ये क्या है? एक पुलाव प्लेट में दो मीटर को। ये मतलब ये नॉर्मल कीमा हो गया क्या? से हां नॉर्मल कीमा हो गया। ये है बीफ कलेजी। ये कलेजी है जी। ये भाई कलेजी मैं देख रहा हूँ कि अच्छी खासी चल रही है आपके यहाँ पे। कलेजी की डिमांड बहुत ज्यादा है। कलेजी की डिमांड ज्यादा है जी। असद भाई ये क्या सीन चल रहा है? ये रोगनी नान है। रोगनी नान है जी। ये नान कितने का दे रहे हैं? नान ये है 30 रुपए का सर। 30 रुपए का नान है रोगनी नान? रोगनी नान 30 रुपए का। वाह भाई भाई, रोगनी नान जो है ना असद भाई 30 रुपए का खिला रहे हैं। और क्या जी थोड़ा सा आगे? ये चपाती हो गए, नॉर्मल चपाती? नॉर्मल चपाती 20 रुपए की चपाती है। 20 रुपए की चपाती है। ये चीज़ें मालपुरा, मालपुरा काफी लोगों को नहीं पता इस चीज़ों का कि मालपुरा होता क्या है। सही। ये साथ में ये क्या है, ये जो रखी हुई है साथ में? क्रीम है, मतलब इसको क्या एक हिसाब से कहा जाए रबड़ी है, जो होती है मलाई, मलाई मलाई गले। ये साथ में इसके देते हैं। जी मेमनी खाना आ गया है, और मेरे ख्याल है तमाम चीज़ें ही आ गई हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। तो क्या जी भुनावा गोश्त, ये हो गया कीमा, ये बाजी गोश्त हो गया, ये कलेजी हो गई, ये इनका मालपुड़ा हो गया, और ये हो गया जी रोटी चपाती और पराठा। तो बड़ा मुश्किल है भाई ये सारा एक साथ खाना। तो मैं थोड़ा थोड़ा चक्कर आपको बताता हूँ कि क्या सीन चल रहा है। ये मैं लूँगा जी चपाती, और सबसे पहले मैं ट्राई करूँगा इनका जो फेवरेट, मेरा अपना भी फेवरेट है, और इनकी जो खास रेसिपी है ये पता हो, ये मैं ट्राई करूँगा। ये सीन है भाई,
बिल्कुल घर वाले खाने की पिला रही है, मतलब ये जो निवाला जैसी मुख के अंदर गया ना तो बिल्कुल ऐसा फील हुआ है कि घर का बना हुआ खाना। जो होटल के होते हैं ना वो उधर थोड़ा सा स्पाइसी ज़्यादा होते हैं, उसको चाय का उस पर स्पाइस का लगा होता है, नहीं क्या बल्कि बिल्कुल खाने वाली घर वाला खाना का सीन देख लें ये ऊपर से क्या इन्होंने मोटा मोटा कीमा भी डाला हुआ है, इनका भाजी गोश काफी साफ सुथरी गलीजी लग रही है और पीसेस जो है ना वो छोटे छोटे कटे हैं, उमन इतने छोटे पीसेस नहीं होते गलीजी के अंदर, लेकिन ये अलग टाइप की है बनाई का, ये भी ट्राई कर रहे हैं। मसाला नॉर्मल रखा है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, ओवन कलेजी में जो है ना बहुत ज़्यादा मिर्ची डालती है। उम्मीद है भाई आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।